कात्या नाम है मेरा। चुपचाप ये सामान दो और निकलो यहां से। डर गए? प्यार से कहता हूं, ये सामान दो और निकल जाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा चलो, एक खेल खेलते, जो जीतेगा सामान उसका। खेल खेल रहे, ईमान से खेलें। जिसने पहले उठाया सामान उसका। ये सामान मेरा है और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना। क्यों, डर गए? अलादीन तुम जैसे चोरों से नहीं डरता। तो चलो एक बार कोशिश तो कर लो, शायद जीत जाओ। ठीक है। मुझे कोई खेल नहीं खेलना, ये सामान मेरा है। तेरे बच्चे नहीं मारूंगा। अरे खिलौनों से खेलता है बच्चा। ले ले, आजा आजा आजा। अच्छा लड़ लेते, कहाँ सीखा? तुम जैसे चोरों के साथ लड़ने के लिए मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुना है सुल्तान के यहाँ चोरी तुमने की थी, तो चोर तो तुम भी हो। मैं चोर नहीं हूं। हमारे चोरों की टोली में आ जा, बहुत फायदा होगा। अलादीन मर जाएगा पर तुम जैसों के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, नुकसान तो तुम्हारा ही है। कात्या को हराने में अभी बहुत वक्त लगेगा बच्चे। क्या बात है मेरे आका? वैसे ये अलादीन इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। हाँ, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। पर तुमसे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता। इस चिराग में मेरा दम घुट रहा है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। तुम्हें पता है अगर जादूगर जफार को अलादीन नहीं मिला तो फिर मिला क्या होगा? मैं इस चिराग में हमेशा के लिए कैद रहूंगा, इस चिराग में हमेशा के लिए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी रिहाई का दिन करीब आ रहा है। वो देखो,
मालूम है अला दिन आएगा जिनको बचाएगा और इस खुशी में जिन और माकू नाचेगा गाएगा ला 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 ला। दरवाजे पर कोई है, जाओ जाकर देखो। तुम भी चलो ना साथ। कौन है? भूत होगा। अरे बोलते क्यों नहीं, कौन है? जरूर वो मनहूस अलादीन ही होगा। मैं अलादीन के मरहूम अब्बू का दूर का रिश्तेदार मुर्शीद हूँ। अलादीन के चाचा? चाचा ही समझ लो। मैं अलादीन को यहाँ से ले जाने आया हूँ। कहाँ है वो? अंदर आइए, अलादीन यही कहीं घूम रहा है दोस्तों के साथ। आप जाइए, ले जाओ अंदर। आइए, आप आइए। अलादीन, 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 कहाँ मर गया वो? अलादीन, अम्मी, क्या बात है अलादीन? अम्मी वो कुछ नहीं अम्मी। अलादीन, अब वक्त आ गया है। कैसा वक्त अम्मी? आगे बढ़ने का वक्त, अपने रास्ते ढूंढने का वक्त, अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने का वक्त अलादीन। कैसी मंजिल अब्बू? मेरे पास तो कोई मंजिल नहीं है। मंजिल है तुम्हारे पास अलादीन, तुम बस चलना शुरू करो। आगे बढ़ो अलादीन, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम बस चलना शुरू करो। आगे बढ़ो अलादीन, आगे बढ़ो अलादीन, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे बेटी आओ बैठ। इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोई नहीं? आज मुझे एक अजीब सा अकेलापन लग रहा है अब्बू। अकेलापन? लेकिन आज तो आपने इतना अच्छा काम किया,
आपको तो खुश होना चाहिए, और हमारे हाथ से भी एक बहुत बड़ा गुनाह होने से बचा लिया तुमने। वैसे अब्बू, मैं ये सोच रही थी कि आपको उस लड़के अलादीन के लिए कुछ करना चाहिए ना। वो पूरी रात आपके कैद खाने में बिना वजह रहा है ना अब्बू, इसलिए। आप ठीक कहती हैं, हम कल ही उसे इनाम में कुछ अशर्फियां भिजवा देंगे। अशर्फियां नहीं अब्बू, मैं तो ये सोच रही थी कि इतने ईमानदार लड़के को अगर हमारे शाही महल में एक नौकरी दे दी जाए तो। आपकी बात ठीक है, हम कल ही जरूर इस बारे में कुछ करेंगे। अब्बू, अलविदा ज़ारनियाबाद। एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से ये गायब है। अलादीन, कहाँ मर गया तू? अलादीन? अम्मी, मैंने पूरा ज़ारनियाबाद छान मारा, पर अलादीन का कहीं नामो निशानी नहीं है। अशरफी पर भी उसकी बुरी नजर लग गई है, हिम्मत तो देखो, मौका मिला नहीं और भाग गया। पता नहीं कहाँ चला गया। अलादीन? वो यही कहीं गया था, पता नहीं कहाँ खो गया। सुबह होते ही वो जरूर आ जाएगा। आप चाहो तो हमारे यहाँ रुक सकते हो रात को। कोई बात नहीं, आप कल फिर आ जाना सुबह। चलो पाशा। चलो। अलादीन, तूने क्या किया? अलादीन चला गया, जादूगर जाफर भी चला गया, और जिन का जाएगा? जिन तो यही रहेगा ना इसी चिराग में। अलादीन, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते तो सुन लो कि अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अलादीन, कभी माफ नहीं करूंगा मैं, कभी माफ नहीं करूंगा अलादीन। अलादीन, मैं हूँ उस दुनिया का सबसे ताकतवर जिन, पता है सबसे ताकतवर हूँ मैं। अलादीन, मैं तेरे चिराग का जिन, इंतजार करूँ मैं और कितने दिन, अब नहीं रह जाता तेरे बिन, जल्दी आ जाओ अलादीन। गुलामाबाद में जो भी आता है वो कहवा और नान जरूर खाकर जाता है। शुक्रिया। गुलामाबाद में नए हो, घर से भाग के आए हो? यानी सचमुच भाग कर आए हो। अब भाग कर आ ही गए तो मुझसे मिले। जियाउल्लाह खान, बड़े काम की चीज हूं, तुम्हारी सब मुसीबतें दूर कर दूंगा। पर मैं आपको जानता तक नहीं। अभी तो बताया, जियाउल्लाह खान। और तुम? मैं अलादीन। न हो गई जान पहचान। अब ये बताओ कि तुम किस मंजिल की ओर निकले हो और क्या चाहिए?
नौकरी मिल गई। और कुछ चाहिए? अब रात बहुत हो गई, तुम खाना खा के सो जाओ, कल सुबह शुरू करेंगे, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, ठीक है ना? जी, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। मंजिल है तुम्हारे पास अलादीन, तुम बस चलना शुरू करो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे बेटी, आज सुबह सुबह क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हैं आप। बस ऐसे ही अब्बू। अब्बू वो आ गया। वो कौन? वो लड़का अब्बू, जिसके बारे में कल मैंने आपसे बात की थी। वो लड़का, अपने सिपाही भेजे थे हमने उसके घर, लेकिन पता लगा कि वो अपने घर से कल रात से गायब। गायब है मतलब, कहाँ गया वो? वो तो हमें नहीं पता, पर लगता है उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? अलादीन, आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली। अलादीन, लो जल्दी से कुछ खा लो, दिन की शुरुआत अच्छी होती है। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तैयार हूँ, चलिए। वाह, काम का इतना शौक, पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। यही तो है मेरी मंजिल, अब सब मुझसे खुश हो जाएंगे। ये लीजिए खाला, अब मैं काम करने लगा हूँ। अलादीन, मेरे बच्चे। अलादीन! पाशा, देख अलादीन तुम्हारे लिए क्या लाया है। शुक्रिया। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन आज से सब बंद, आज से हम पक्के दोस्त। आज के बाद सब कुछ अच्छा होगा खाला, और मैं इस मकान का किराया भी चुका दूंगा। अलादीन, मेरे बेटे, मेरे बेटे। अलादीन नाम है उसका, करीबन 15-16 साल का होगा। कहाँ से आया है वो? इससे तुम्हें क्या लेना देना, आका को तो सिर्फ बच्चों से काम है ना। बच्चों की नहीं ज़ोल साहब, चोरों की जरूरत है। पर ये अलादीन चोरी कर पाएगा? अगर नहीं भी कर पाया तो आका को टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। तुम्हारे भी तो हाथ पैर तोड़े थे ना तुम्हारे आका ने। आत्या नाम है, हमारे चोरों की टोली में आ जा, बहुत फायदा हो। अलादीन,